नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरे ब्लॉग में फिर स्वागत है। तो कल 23 में बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप लोग को सोलह कुंभा की तरफ से स्वागत है, वेलकम है। तो जितना भी मेरा आसपास का ये ब्लॉग देख रहा है, तो सभी आप लोग सोलह कुंभा में कल आ सकते हैं। और ये है सोलह कुंभा का अंदर का दृश्य, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। और इस बार धर्मगुरु कालिम्पोंग से आए लामा, तो आप लोग आकर उनका भी दर्शन कर सकते हैं। और सुबह हर साल की तरह इस साल भी परिक्रमा होगा, उसमें भी आप लोग आकर भाग ले सकते हैं, पुस्तक लेकर आप लोग भी परिक्रमा कर सकते हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं सोलह कुंभा का अंदर का दृश्य, जो कि आप लोग को मैं आप मेरी ब्लॉग की मार्फत दिखा रहा हूँ। और हमारा ये जो बर्तन धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, पानी का के लिए ये सॉकेट बनाना ज़रूरी था, तो इसीलिए अभी सॉकेट भी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग का किचन हमेशा की तरह इस साइड ही होता है किचन, और भाई लोग अभी कुकिंग कर रहे हैं। और इस साइड देख सकते हैं आप लोग गुम्बा का साइड पर ये पंडाल, और साल की तरह जो आप लोग ये देख रहे हैं इसको बोलता है खोरलो। तो अभी इस पर भी कलरिंग हो रहा है, क्योंकि बारिश के कारण से यहाँ पर थोड़ा रस्टी हो गया, तो अभी इसका भी कलरिंग हो रहा है। और यह गुम्बा का बाहरी हिस्सा, जो कि सेकंड मंजिल जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद इस साल का लास्ट लाख में हो सकता है, कोशिश जारी है, और नहीं भी हो सकता है, लेकिन काम चल रहा है अभी भी। तो ये है हमारा एंट्रेंस गेट, और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये एंट्रेंस गेट, ये हिमाचल प्रदेश से आया था ये बनाने के लिए लामा लोग, तो कारीगर जो था उन लोग ने ही ये बनाया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा। अभी सभी बीजे तोरमा बनाने में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए गुड़ को, जो गोटा गुड़ होता है उसको भी पूरा क्या करता है, ग्रेट करके इसके अंदर में डालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए गुड़ को ग्रेट किया जा रहा है, ऐसे करके ग्रेट करके उसको तोरमा के अंदर में डालना पड़ता है ये भी, क्योंकि गुड़ डालने से थोड़ा मीठा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी अभी तोरमा बनाने में बिजी है, ये इतना इजी नहीं बनता है, ये बनाने में बहुत ही मुश्किल है, और कोई नहीं चाहेगा इसको बनाने के लिए। देखिए इस तरह से बना पड़ता है। और ये है जीरिल, ये जो गोल गोल देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलता है जीरिल। आप लोग देख सकते हैं यह चिमीघर, यहाँ पर आप लोग आकर बत्ती जला सकते हैं। और यहाँ पर अभी बत्ती रेडी हो रही है, कल बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा, तो अभी से रेडी करके रख रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग बत्ती, आप लोग भी आकर कल चलाइए बत्ती को। और तोरमा अभी रेडी हो रहा है, तोरमा और भी
बहुत लगेगा क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बर्तन में मसाला बना के रखा है, इस सब को तुरमा बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगा। और ये आप लोग देख सकते केला फ्रूट्स सब इधर रखा हुआ है, और यहाँ पर जितना भी तुरमा है सब रेडी करके यहाँ पर ला कर रखेंगे, और कल शाम को प्रसाद के रूप में पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितना भी यहाँ पर भक्ति जन आता है सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे।